हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम राजटेक। आज हम जानेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, कोई भी शेयर का दो अकाउंट होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक डीमैट अकाउंट है। तो आज हम जानेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है और उसमें क्या क्या, मतलब डीमैट अकाउंट में क्या होता, उसमें कैसे उसका काम करता, डीमैट अकाउंट में रहता क्या है, एक्चुअली डीमैट अकाउंट में क्यों ज़रूरत होता डीमैट अकाउंट का। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल करके उसका क्या क्या काम होता डीमैट अकाउंट में सब कुछ दिखा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते रहिए। तो एक्चुअली डीमैट अकाउंट होता क्या है, देखिए पिछले दिन पे जो एक शेयर परचेस करने पर एक जगह पे लिखा जाता, ठीक है, एक जगह पे स्टोर होता जाता, लेकिन अब आज जो डिजिटलाइज हुआ उसके बाद जो शेयर का जो अकाउंट है उसमें दो तरह का डिवाइडेड किया, एक है ट्रेडिंग, एक है डीमैट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता वो मैं और एक वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, आज हम जानेंगे डीमैट अकाउंट में क्या होता। डीमैट अकाउंट में सब कुछ स्टोर रहता है। मान लीजिए आप कुछ शेयर परचेस किया, ठीक है, तो शेयर परचेस करने के बाद वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपने परचेस कर लिया, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे रहेगा, उसका जो ट्रेडिंग किया कुछ परचेस किया उसका वैल्यू, ठीक है, उसका वैल्यू, उसका इंफॉर्मेशन सब कुछ कहाँ पे रहेगा, इसलिए डीमैट अकाउंट का ज़रूरत हुआ। उसका पोजीशन, उसका होल्डिंग सब कुछ आपको इधर से दिखा दूंगा। ठीक है, मतलब आपने जितना भी परचेस किया, आपने जितना भी फंड रिलीज किया, ठीक है, जितना भी आपने विदड्रॉ किया, सब कुछ एक जगह पे स्टोर रहता, उसका बोलते डीमैट अकाउंट। उधर आपका पूरा स्टेटमेंट रखा जाता, जो आपने परचेस किया, जो आपने सेल किया, जितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब लिखा जाता स्टेप बाय स्टेप, कितना डेट में किया। तो देखिए, अभी मैंने जीरोधा का जो डीमैट अकाउंट उसमें लॉगिन हूँ। ठीक है, देखिए तो इधर से मतलब कितना, देखिए ऐड किया सब कुछ, इधर से ग्राफिकली शो हो रहा है। ठीक है, तो आपको मैं मैनुअली दिखा देता हूँ। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में अभी मैंने कुछ दिन से शेयर में मतलब ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें कुछ कैश है, मैंने सब कुछ विदड्रॉ कर लिया, ठीक है, अमाउंट वैल्यू इधर शो हो जाता, कमोडिटी में भी शो हो जाता। ठीक है, दूसरा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के अंदर क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन है, क्या पोजीशन, आपने कुछ शेयर परचेस किया उसका, तो वो इधर आ जाएगा पोजीशन में। ठीक है, पोजीशन में इन फ्यूचर आपने पास्ट में भी कुछ किया, कोई भी टाइप का शेयर है, वो कमोडिटी का हो, करेंसी का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी शेयर हो, आप इधर से डेट वाइज देख सकते हो उसका पोजीशन है। ठीक है, होल्डिंग, कुछ अभी आपने शेयर परचेस किया उसको, मतलब सेल नहीं किया, तो इधर होल्डिंग में आ जाएगा। ठीक है, इधर रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना टैक्स, मतलब कितना टैक्स आपको देना पड़ा, सब जो जितना शेयर आपने परचेस किया। ठीक है, इधर से फंड, फंड में भी आप देख सकते हो ओवरव्यू, मैं ओवरव्यू में क्लिक किया। ठीक है, इधर इधर कुछ भी फंड नहीं है अभी, मैं स्टेटमेंट निकल के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इधर सिलेक्ट करना है कितना से कितना देखना है, तो मैं 17 से 19 तक मैंने जितना ट्रांजेक्शन किया। इधर दो तरह का होता स्टेटमेंट, एक इक्विटी में, एक कमोडिटी में। अगर आपने कुछ ऐड किया फंड वो इक्विटी में, तो अपने इक्विटी सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो कमोडिटी, मतलब इधर स्टोर रहता कितना आपने ट्रांजेक्शन किया ये फंड में। मैं रिपोर्ट में जाकर प्रॉफिट लॉस भी दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने 2018 में, आज 2019 से 18 में कुछ ट्रांजेक्शन ऐड किया, उसको कुछ ऐड किया, वो सारा का सारा इधर आ गया। देखिए पूरा का पूरा कितना डीपी चार्जेस हुआ, देखिए पूरा का पूरा इधर आ गया। देखिए
जितना भी मैंने ट्रांजेक्शन किया और चार्जेस आया, और बैंक स्टेटमेंट जैसा होता ना, कितना आपने ऐड किया, कितना उसना, कितने टैक्स काटा, कितना डेबिट कार्ड के लिए काटा, क्रेडिट कार्ड के लिए टैक्स काटा, सब कुछ इधर बैंक स्टेटमेंट के द्वारा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं देखा देता हूँ रिपोर्ट। देखिए इधर रिपोर्ट में क्लिक करने के बाद ट्रेड बुक में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने एक टाइम सिलेक्ट कर लिया 2018 टू इधर 2019 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद व्यू में क्लिक कर देता हूँ। देखिए इधर मैंने कितना परचेस किया, कौन सा शेयर कितना दाम पे, कितना में सिलेक्ट परचेस किया, कितना में सेल किया। देखिए इधर पूरा का पूरा स्टेटमेंट आ गया, कौन सा में कितना परचेस किया, कितना प्रॉफिट किया, पूरा का पूरा इधर आ गया। अगर मेरे को डाउनलोड करना है ये जो रिपोर्ट है, तो उसको डाउनलोड में क्लिक करना है, उसके बाद ओपन करना है। ओपन करके भी इधर से भी आप देख सकते हो फिल्टर लगा के कितना, कौन सा शेयर में कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैंने ओपन किया लेकिन हुआ नहीं, फिर से को देख लेता हूँ। देखिए इधर क्लाइंट आईडी, उसके बाद इधर सब कुछ आ गया। आप इधर से फिल्टर करके भी देख सकते हो, फिल्टर लगा दिया। ठीक है, अभी मेरे को देखना है सिर्फ सब सब में नहीं है तो ठीक है, इसमें फिल्टर लगा देता हूँ फिल्टर। ठीक है, तो देखना है सिंबल में क्लिक करना है। तो मैंने देखा एक्सिस बैंक में कितना ट्रांजेक्शन किया, तो एक्सिस, तो देखिए इधर शो हो रहा है मेरे को सिंबल में क्लिक करना है, देखना है बैंक ऑफ बड़ौदा और रिलायंस इंफ्रा। ओके, तो देखिए कितना ट्रांजेक्शन हो गया, तो एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ रिलायंस इंफ्रा। तो देखिए इसका बाई अमाउंट सेल अमाउंट, बाई अमाउंट सेल अमाउंट, बाई अमाउंट सेल अमाउंट, इसमें कितना परचेस किया, 10 परचेस किया, सेल किया। तो आज हमने देखा एक्सिस बैंक का जो डीमैट अकाउंट है वो क्या होता, उसमें क्या क्या काम करता, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उधर से निकल जाता। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।